फ्रेंड्स, यदि आप पेट की बीमारियों से परेशान हैं, पेट फूलने लगता है, पेट में गैस एसिडिटी हो जाती है, पेट भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती है, तो आज पेट की बीमारियों को ठीक करने वाले कैप्सूल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि पेट की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कैप्सूल का नाम है ओमेज कैप्सूल। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल के बारे में आपने सुना होगा और इस कैप्सूल का उपयोग भी किया होगा। यह पेट की हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में इस कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल से, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओमेज कैप्सूल, इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 64 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 20 कैप्सूल की एक स्ट्रिप में आता है। और इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वह समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और बात करें इस कैप्सूल के कंटेंट के बारे में, तो इसमें ओमिप्राजोल होता है, जो कि प्रत्येक कैप्सूल में 20 mg होता है। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। ओमेज कैप्सूल को किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, यदि आपके सीने में जलन हो रही हो, हार्ट बर्न की समस्या हो, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण सीने में जलन होती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट से खाना मुंह की तरफ वापस आना, पेट में अल्सर की समस्या को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, पेट भरा भरा रहना, भूख ना लगना, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है, जो कि गैस एसिडिटी की समस्या को ठीक करता है। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में। ओमेज कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? इस कैप्सूल की नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति में एक कैप्सूल सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर इस कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह शाम खाली पेट भी किया जा सकता है। इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ओमेज कैप्सूल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, यह सब इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी ओमेज कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।